नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया। बात करेंगे नाथ पब्लिकेशन की किताब की, राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता शिक्षा परीक्षा द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए महत्वपूर्ण किताब है। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र व सूचना प्रौद्योगिकी को शिक्षा में उपयोग सभी विषय हेतु अनिवार्य है और 60 अंकों हेतु उपयोगी है। राइटर की अगर बात करते तो सुनीता सिंह चौहान जो व्याख्याता, लेखक व वक्ता है, और मुकेश दीक्षित जो शिक्षक भर्ती एक्सपर्ट है। ये कवर प्रश्न है, कवर प्रश्न बढ़ा करके दिखा देते हैं आपको। कवर पृष्ठ देख रहे हो आप, कवर पृष्ठ में किताब जो है वो फर्स्ट ग्रेड की किताब है और नाथ पब्लिकेशन की किताब स्कूल व्याख्याता के लिए, और सूचना प्रौद्योगिकी और शिक्षा शास्त्र दोनों शामिल है। कुल मिला के 60 अंकों के लिए महत्वपूर्ण, यानी 30 प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो 60 अंकों के लिए महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर और साइकोलॉजी दोनों पूरी तरह से इस किताब के अंदर देखने को आपको मिल जाएगी। राइटर की बात हम कर ही चुके हैं, कवर पृष्ठ है, और अंदर डिटेल से बात करते हैं कितने पृष्ठ की किताब है और क्या क्या है PDF के अंदर। इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके आप PDF भी प्राप्त कर सकते हो। आगे बात करते हैं, पूर्णतः सिलेबस पे आधारित किताब है और कौन कौन से टॉपिक है इसके अंदर बात करते हैं। अनुक्रमणिका की बात करते हैं, शैक्षणिक मनोविज्ञान की अवधारणा, क्षेत्र और कार्य दे रखे हैं। और दूसरा जो टॉपिक है, किशोर अधिगमकर्ता की शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा नैतिक विकासात्मक विशेषताएं और उनका शैक्षिक अधिगम में आशय। तीसरा जो पॉइंट दे रखा है, सीखने के व्यवहारिक, संज्ञानात्मक और रचनावादी सिद्धांत और उच्च माध्यमिक छात्रों के लिए इसका निहितार्थ। उसके बाद चौथा टॉपिक दे रखा है, मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा एवं समायोजन तथा समायोजन तंत्र। आगे की बात करते, पाँचवा टॉपिक दे रखा है, सांवेगिक बुद्धि और शिक्षण अधिगम के निहितार्थ। और छठा टॉपिक दे रखा है संप्रेषण का। सातवां टॉपिक दे रखा है शिक्षण प्रतिमान। आठवां टॉपिक दे रखा है शिक्षण अधिगम सामग्री। और नौवां टॉपिक दे रखा है शैक्षिक प्रौद्योगिकी। कुल मिला के बात करें 110 पृष्ठ की किताब है, थ्योरी की किताब है और पूर्णतः व्यवस्थित किताब। 110 पृष्ठ में आपके 30 प्रश्न कवर हो जाएंगे कुल मिला के, और 30 प्रश्न यानी 60 अंकों के लिए महत्वपूर्ण किताब है, साइकोलॉजी की नाथ पब्लिकेशन की किताब है। अब इस किताब के अंदर के मैटर की बात करते हैं, किस प्रकार से दे रखा है, तो वो डिटेल से बात करते हैं। देखिए, शैक्षिक मनोविज्ञान की अवधारणा, क्षेत्र और कार्य पहला टॉपिक जिसे दे रखा है। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ दे रखा है, हिंदी भी दे रखी है और इंग्लिश भी दे रखी है, यानी बाय लैंग्वेज दे रखा है समझने के लिए। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो मनोवैज्ञानिक हुए उन मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा दे रखी, जैसे कॉल्सनिक, स्टीफन की, प्रोफेसर क्रो की, स्किनर की और HR भाटिया की, इनकी आपको डिटेल से जानकारी इस किताब में देखने को मिल जाएगी। उसके बाद मनोविज्ञान क्या है, साइकोलॉजी कैसे बना, वो जानकारी सारी इस किताब के अंदर। इस किताब के अलावा आपको और भी कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल इस किताब को पढ़ लीजिए। ये साइकोलॉजी क्या है, मनोविज्ञान की और भी परिभाषा दी रखी है, वारेन, मन, वाटसन और क्रो और क्रो की, इन परिभाषा को डिटेल से आप देख सकते हो। विभिन्न मनोविज्ञानों की परिभाषा इस किताब में देखने को मिल जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि इस किताब में थ्योरी के अलावा ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी है। जैसे ही थ्योरी खत्म होती है अध्याय, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिल जाएगा। जैसे ही थ्योरी खत्म होने के बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न दे रखे हैं, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है किसका, गर्भकालीन अवस्था से परिपक्वता। निम्न में से शिक्षण प्रक्रम के अंग है, तो अंग बता रखा शिक्षक शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। इस प्रकार से आपको थ्योरी और ऑब्जेक्टिव लिए अलग अलग किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं, एक ही किताब में सारा मैटर देखने को आपको मिल जाएगा। देख सकते हो आप, किशोरावस्था में सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट एट एडोलसेंस, और संवेगात्मक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट, समय क्या होता है डिटेल से आप देख सकते हो। उसके अलावा चरित्र, नैतिक परिभाषाएं, परिभाषाएं विभिन्न प्रकार की आपको अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैकडूगल की जो 14 मूल प्रवृत्ति दे रखी है, उन प्रवृत्तियों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखा है, याद करने के लिए बेटर है आपके लिए। तो इस प्रकार की जानकारी इस किताब के अंदर देखने को मिल जाएगी। फिर अभ्यास प्रश्न देखने को मिल जाएंगे दोबारा आपको, जैसे ही अध्याय खत्म होता है अभ्यास प्रश्न इसमें देखने को मिल जाएगा। और ये विभिन्न प्रकार के विद्वानों के बारे में डिटेल से जानकारी दे रखी है, जैसे सीखने के सिद्धांत और फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। फ्रायड कौन थे उनके बारे में जानकारी डिटेल से मिल जाएगी आपको। ये थ्योरी के रूप में शानदार किताब, एक तरह से आप पढ़ोगे तो आपको होंगे कि थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी इस पर देखने को मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न जैसे थ्योरी खत्म होती है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न हर अध्याय के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको देखने को इस किताब के अंदर मिल जाएंगे। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। और शिक्षण के प्रतिमान यानी मॉडल ऑफ टीचिंग, शिक्षण के प्रतिमान के महत्व, शिक्षण अधिगम सामग्री, शिक्षण अधिगम सामग्री कौन कौन सी होती है, इसमें भी विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं देखने को आपको मिल जाएगी। ये विभिन्न प्रकार के शिक्षण के साधन जो दे रखे हैं, ये कंप्यूटर से संबंधित देखने को मिल जाएगा आपको। आउटपुट क्या होता है, वॉइस रिकॉग्नाइज क्या होता है, स्कैनर क्या होता है, उनके बारे में डिटेल से आपको जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। और कंप्यूटर से संबंधित फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को आपको
जैसे कंप्यूटर वाला टॉपिक खत्म होता है, ऑब्जेक्ट प्रश्न देखने को आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इस प्रकार से शानदार किताब है, और लाइए और खरीदिए और पढ़िए, नाथ पब्लिकेशन की किताब है और शानदार किताब है, नाथ पब्लिकेशन की किताब है। और साइकोलॉजी और कंप्यूटर के लिए यानी सूचना प्रौद्योगिकी के लिए शानदार किताब, 110 पृष्ठ की किताब, जिसके अंदर थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों है। फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के लिए, सेकेंड पेपर के लिए, सारे सब्जेक्ट के लिए महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं।